हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि GDC का एक जोन बचा हुआ था वैकेंसी के लिए, तो अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वो भी वैकेंसी निकल गई है। दोस्तों, 16/8 यानी अभी भी कुछ देर पहले यह वैकेंसी रिलीज हो गई है। दोस्तों, ओपनिंग डेट 17 से है और इसका क्लोजिंग डेट दोस्तों 16/9/2023 यानी 16 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो दोस्तों, जो भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे से हैं, जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, सबसे अंत में आया और सबसे थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का वैकेंसी है। दोस्तों, निराशा हाथ लगेगी आपको, पूरा वीडियो को देखते रहें। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल पटना इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर एम्प्लॉय एक्सेप्ट RPF को छोड़कर, आपको पता ही होगा, ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एंड RWP बेला फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ LP एंड टेक्नीशियन, यानी कि इस चीज़ की आपको वैकेंसी निकलेगी। अब आइए वैकेंसी पर थोड़ा सा दोस्तों नज़र डाल लेते हैं। पहला वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें टोटल 120 वैकेंसी है, यानी कि बहुत कम वैकेंसी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कम ही है अदर जोन की बात की जाए। इसमें से बहुत रीजन है दोस्तों। दूसरी वैकेंसी टेक्नीशियन सिग्नल की है, उसकी वैकेंसी 7, टेलीकॉम की 1, इलेक्ट्रिकल पावर की दोस्तों 1 है, ट्रेन लाइटिंग की 1, TRD की 1, TRS की 4, CNW की 29, मैकेनिकल 2, डीजल 4, मैकेनिकल डीजल की दोस्तों 1, मैकेनिकल पावर की 1, हीटर में है 21 वैकेंसी, TMC की 66 और ब्रिज में दोस्तों 2। तो वैकेंसी बहुत निराश करने वाली है, बहुत ज़्यादा जो वेट कर रहे थे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी, उनके लिए उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की बात की जाए तो इसमें भी वैकेंसी टोटल 91 हैं। सबसे ज़्यादा TMC डिपार्टमेंट ट्रैक में जो है उसकी वैकेंसी ज़्यादा है। उसकी बात की जाए दोस्तों गुरु गुड्स गार्ड्स की, तो ये दोस्तों देख के भी ये हंसी आती है। वैकेंसी टोटल पूरे जोन में मात्र 5 वैकेंसी निकाली गई है, तो बहुत दिन से जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे उसके लिए काफ़ी निराशा भरी खबर है दोस्तों। अब मेन चीज़ को और टॉपिक को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इंट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन फॉर, और ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा वो रेलवे बोर्ड वाला लेटर का ही सारा चीज़ दिया है। तो दोस्तों, सबसे लास्ट में आई और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का वैकेंसी के कंपेरिजन की बात की जाए तो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द जाके जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।